हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूब्रिक्स। ये हमारा सेकंड पार्ट होगा वुंड हीलिंग में। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि क्या स्टेप्स है जिनसे रीजेनरेशन और रिपेयर हो रहा था, हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन, जहां पे वुंड एजेस टुगेदर अप्रोक्सीमेटेड थे, स्कार फॉर्मेशन मिनिमल था, और जनरली जो सर्जिकल इंसिजन्स में देखा जाता है क्योंकि वो क्लीन रहते हैं। और दूसरा था हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन, जहाँ पे एजेस अप्रोक्सीमेटेड नहीं होते हैं, ग्रैनुलेशन टिश्यू ज़्यादा होता है जिसकी वजह से स्कारिंग ज़्यादा। हमने इन्फेक्शन जैसी चीज़ें पढ़ी थी जो वुंड हीलिंग को डिले करती हैं, नरिशमेंट न्यूट्रिशन स्टेटस भी डिस्कस किया था। इन्हीं चीज़ों को हम आगे और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इन्फेक्शन जो वुंड हीलिंग को डिले कर सकता है। इसमें मोस्ट कॉमन कॉज होता है स्टेफाइलोकॉकस ऑरियस बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया है जो नॉर्मली हमारी स्किन पे पाया जाता है। नॉर्मली ये हमें कुछ इन्फेक्शन क्रिएट नहीं करता है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, बट कभी कभी होस्ट का इम्यून स्टेटस वीक होता है, या स्पेशली अगर कोई एंट्री पॉइंट है, जैसे जो हमें चोट लगी थी, जहाँ पे ये एंटर कर सके वहाँ पे ये इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। इन्फेक्शन हो जाएगा तो वहाँ पस पड़ जाती है, जो पस पड़ती है वो हीलिंग को डिक्रीज कर देती है, क्योंकि जब पस पड़ती है वहाँ पे एरिया की पीएच डिक्रीज हो जाती है, जिससे जो नॉर्मल केमिकल्स और नॉर्मल सेल्स का हमारा फंक्शन ठीक नहीं रहता है। दूसरी चीज़ है न्यूट्रिशन स्टेटस। न्यूट्रिशन स्टेटस में स्पेशली प्रोटीन इनटेक या प्रोटीन लेवल्स कैसे हैं, कुछ वाइटामिन स्पेशली वाइटामिन सी लेवल कैसा है, कुछ मेटल्स जैसे कॉपर, जिंक, सेलिनियम, इनके लेवल्स कैसे हैं। आप गिरे, आप रोड पे गिरे, साथ में डस्ट पत्थर अंदर चले गए, तो अगर वो छोटे छोटे पत्थर अंदर रह जाएंगे वहाँ पे हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स और ज़्यादा बाइंड करेंगे और वो पस क्रिएट कर सकते हैं, वुंड हीलिंग डिले हो जाएगी। अगर इश्कीमिया होगा, अब आपको याद है इश्कीमिया क्या था, इश्कीमिया हमने कब पढ़ा था, इश्कीमिया हमने सेल इंजरी के टाइम पढ़ा था। इश्कीमिया क्या था, जब किसी ऑर्गन या टिश्यू में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा हो ब्लड फ्लो कम होने की वजह से। तो अगर ब्लड फ्लो कम होगा तो हीलिंग डिले हो जाएगी। क्यों डिले होगी, क्योंकि ब्लड ने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना था सेल्स को, वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो सेल्स इजीली डिवाइड और अपना